रुपये की मिली है। ओके, और ये आटा, ये आटा कितने का होगा दोस्तों, आपका अंदाज़ा लगाएं। ये 810 रुपये मिला है मुझे 6 किलो आटा, 6 किलो 6 किलो KG 810 रुपये में। अब गाइस बता लें टोटल कितने हुआ, तकरीबन 1200 रुपये का। तो गाइस ये यहाँ पे देख लेंगे, ये दालें वगैरह पड़ी हैं, और ये देखें इधर, और ये चावल वगैरह है। मतलब कॉनोडा ने एडवांस में लाया, मैं तो बेसन में सब कुछ अच्छा छोटा सा बना हुआ है यहाँ पे गाइस, ठीक है। और वो सामने देखेंगे मार्केटें बनी हुई हैं सामने वाली, और ये पेट्रोल पंप बना हुआ है यहाँ पे, ये देख। और वो हाय गाइस, नमस्कार, जय माता दी दोस्तों, कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे दोस्तों। एक न्यू वीडियो में वेलकम करता हूँ गाइस। तो अभी मैं जा रहा हूँ सामान लेने के लिए, आटा हो गया, घी हो गया, तेल हो गया वगैरह, चीनी वगैरह लेने के लिए। तो अभी हम शॉप पे जाएंगे, तो वहाँ से हम पूछेंगे रेट वगैरह, तो क्या प्राइस है क्या प्राइस नहीं है दोस्तों। तो आज पूरे वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग्स आपको बहुत पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना दोस्तों। तो अभी मैं यहाँ से घर से निकला हूँ, ये हमारे जो घर की तरफ रास्ता बना हुआ है, तो वहाँ से भी मैं जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आज वीडियो को अंदर पूरा आपको दिखाने वाला हूँ गाइस, तो चलते हैं। ये पूरा मतलब एक रास्ता बना हुआ है यहाँ पे, वो सामने दिख रहा है वो मार्केट है, वहाँ पे बनी हुई है गांव, अपना गांव के अंदर है शॉप वगैरह बनी हुई है। तो ये रास्ता हमारा यहाँ से जाता है, तो ये नहर है, और इस तरफ देखेंगे तो एक मौत वगैरह खड़ी है, तो हम यहाँ से भी चलेंगे, ठीक है गाइस। तो और आगे भी हम दिखाएँगे आपको, इसको वीडियो का एंड तक जुड़े रहना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये भी व्लॉग्स आपको बहुत पसंद आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये पूरा मतलब कि हमारा जो गांव के अंदर, शहर के अंदर जो छोटा सा छोटी सी दुकान वगैरह बनी हुई हैं, तो अभी हम यहाँ से, ये नर्सरी वगैरह भी है दोस्तों, तो आज ये भी आपको दिखाएंगे, और वो सामने पूरी मार्केट बनी हुई है। ओके गाइस, तो इस वीडियो के एंड तक भी जुड़े रहना। और ये देखें यहाँ पर नर्सरी वगैरह बनी हुई है गाँव के अंदर, ये देखें पूरी सी छोटी सी, छोटा सा बना हुआ है यहाँ पर गाइस, ठीक है। वो सामने देखेंगे मार्केटें बनी हुई हैं सामने वाली, और ये पेट्रोल पंप बना हुआ है यहाँ पे, ये देख। और वो वहाँ पे पूरी मार्केटें वगैरह बनी है, ठीक है। सो गाइस, अभी हम बैठे हैं इधर शॉप पे आए हैं, तो भाई की बनी हुई शॉप इधर, तो अभी हम लेंगे सामान वगैरह यहाँ पे। तो तुम्हें पता है अभी जो तो कल की जो दिहाड़ी मुझे मिली थी, उसी के अंदर अपने सामान ले रहा हूँ अभी इधर। तो अभी लेंगे आटा वगैरह, चीनी, तेल वगैरह, जो भी घर का जो भी राशन होता है, तो अभी मैं इधर लेने के लिए आया हूँ दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अभी भाई की दुकान बनी हुई है ये इधर, तो छोटी सी दुकान है बेचारे की, इतनी गए मतलब बड़ी नहीं है, जो जितना था हो सके। तो अभी चीनी हो गई भाई, 100 का तेल कर देना, और 50 वाला चाय का पूड़ा कर दियो, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं ले रहा हूँ इधर आटा वगैरह जो भी है, तो अभी मेरे ख्याल में आटा भी कम हुआ है, नहीं कम हुआ है, कम हुआ है, तो दोस्तों अभी कम हुआ है दोस्तों, ये भी शुक्र है आटा कम हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे अपनी शॉप, और ये भाई की जो शॉप बनी है यहाँ पे, ये देखें ये भाई की बनी हुई छोटी सी दुकान, इतनी बड़ी नहीं है, मतलब जो पुअर लाइफ के हिसाब से मतलब यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर ये देखें मैं ले रहा हूँ चीनी वगैरह हो गई भाई, 100 का तेल कर देना, 1 किलो चीनी, 50 वाला चांग का पूड़ा कर दियो, ठीक है। और दूसरी सर्फ, 3 सर्फ कर देना, और एक साबुन कर देना 20 वाला, अगरबत्ती कौन सी है अपने पास, 30 वाली नहीं, कौन सी है का दिखाना, अगरबत्ती ये वाली है, सही है, अच्छा ठीक है, 2 कर दियो, ये 50 वाली नहीं है, चल ऐसा कर अभी अगरबत्ती ये रख दे, देखते हैं अभी कितने पैसे बचते हैं अभी, तो उस हिसाब से फिर करेंगे हिसाब किताब। तो अभी ये देखें दोस्तों यहाँ पे ये आटा वगैरह पड़ा है, चावल वगैरह पड़े हैं, चावल के रेट कम हुए हैं नहीं, वही है वही है, चलो ठीक है। अभी ये इसका हिसाब करना कितना हो रहा है, 3 ये नहीं कर, ये वाले कर ब्राइट, हाँ। और इधर ये देखेंगे दोस्तों आलू वगैरह पड़ा है, और ये देखें आटा है इधर, और ये बीज वगैरह पड़े हैं इधर, ये देख ले 355,
55 अगरबत्ती तो नहीं लगे इसमें। तो गाइस ये यहाँ पे देख लेंगे, ये डाले वगैरह पड़ी हैं, और ये देखें इधर, और ये चावल वगैरह है। मतलब कौनोड़ा ने एडवांस में लाए रहो, मैं तो बेसन में सब कुछ। अच्छा वाह वाह, सही बात है। ओए हाँ ना ना, वाह 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 गाइस, अभी मैं लेके आ गया हूँ सामान। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये है सामान। ये पता कितने का हुआ है? ये 1200 रुपये में मिले हैं मुझे ये सामान, जो कल की जो दिहाड़ी वगैरह थी उसी दिहाड़ी से अभी मैं लेके आ गया हूँ दोस्तों। इसमें आटा वगैरह है और चीनी हो गया, तेल हो गया, सब इसी के अंदर है दोस्तों। ठीक है गाइस, तो अभी हम आपको दिखाएंगे। ये देखें शू तार शू और जू सफर कर, और बोले खाओ 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 जू सफर कर। पहले जय श्री राम के, जय श्री राम के ना, जय श्री राम के बजियो, जय श्री राम के। सही नमूने के, सही नमूने के तुलो जाएगी जो है शुला जी ने खाऊ। सो गाइस अभी देख रहे हैं सामान लेके भी आए, तो खबर पंदे आऊंगे पड़े थे भाई पंद पहल देखी। तो अभी मैं वहां से लेके आया हूं गाइस, तो अभी ये देखें यहां पे सब चीजें। तू थोड़ी बोले जी चखाओ जी, तूने बजो खाओ खाओ तू जी भाई, मार ठोकरा रे खाओ जियो पावो पवन। तो अभी देखते हैं आपको बिल्कुल दिखाने वाले। मैं लेके आया हूँ ये चैनक चाय का, पता कितने का मिला मुझे। ये है इसकी प्राइस, आपको दिखा दूँ जी, प्राइस 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 70 रुपये भाई इसकी प्राइस है। ये देखें, ये देखें 70 रुपये प्राइस है इसकी, ये देख ले गाइस। ओके, और आप इसको अंदर दिखाने वाला हूँ पौरव। और ये तो बिस्किट है भाई, ये बिस्किट हो रहे हैं, ये गाला बिस्किट है, 5 रुपये की पुड़िया दी ये। ठीक है, 2 मिले 10 रुपये में। और आपको और दिखा देंगे, ये साबुन है 20 रुपये का साबुन, ये देख ले दोस्तों कितना छोटा सा है, 20 रुपये में। और ये है तेल, ये तेल पता कितने का मिला है, ये है 100 रुपये में मिला है तेल गाइस। ये देख लो सरसों का तेल है, ये 100 रुपये में। हाँ हाँ फूल गया, 100 रुपये मिले। ओ, ओ देखिए ये 100 रुपये मिला है गाइस। और इसके अंदर ये पड़े हैं सर्फ, ये है सर्फ, सर्फ नहीं ये ब्राइट है सर्फ। ए अबू ना खा, ठीक है गाइस। तो ये 10 रुपये की पुड़ी है, ये देख लें, ये है 10 रुपये की प्राइस, ये देख लें दोस्तों। ठीक है गाइस, और ये चीनी है 1 किलो 55 रुपये की मिली है। ओके, और ये आटा, ये आटा कितने का होगा दोस्तों, आपका अंदाज़ा लगाएं। ये 810 रुपये मिला है मुझे 6 किलो आटा, 6 किलो 6 kg 810 रुपये में। अब गाइस बता लें टोटल कितने हुआ, तकरीबन 1200 रुपये का टोटल ये चीज़ें सिर्फ आई हैं 1200 रुपये में। अब बंदा गरीब बंदा क्या कर सकता है, जो दिहाड़ी वाला बंदा है वो क्या कर सकता है, सोच ले गाइस। ठीक है, तो प्लीज़ यार, तो जो अभी ये महंगाई इतनी ज़्यादा है कि क्या बताऊँ आपको दोस्तों। तो आज का व्लॉग्स आपको कैसा लगा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को यार सपोर्ट करें जितना ज़्यादा हो सके, हमारे फेसबुक पेज को भी सपोर्ट करें दोस्तों। और दोस्तों मेरी अभी फर्स्ट पेमेंट भी आने वाली है अपना यूट्यूब की, तो अभी तक मतलब थोड़ी सी पेंडिंग पड़ी है, तो प्लीज़ यार कंप्लीट करवा दो जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें दोस्तों। ठीक है, जो मेरी जो लाइफ है जो दोस्तों मैं आज आपको वीडियो के अंदर पूरा क्लियर बताने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, तो अभी ये देख रहे हैं, अभी मैं गया था घास वगैरह लेके, अभी इधर आ गया हूँ गाँव पे, सॉरी घर पे, तो अभी जाना है मुझे काम पे। तो दोस्तों और एक बात दूसरी आपको गुड न्यूज़ में बता दूँ कि मेरे लिए अभी एक मैं शॉप खोलना चाह रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो बहुत जल्दी वो शॉप हमारी ओपनिंग होने वाली है दोस्तों। ठीक है, और बहुत जल्दी, तो अभी मैं इसके लिए
टाइम देखूँ, शुभ टाइम देखूँ, तो उसी दिन या फिर हो सकता है थोड़ा सा मतलब एक या दो दिन के अंदर वहाँ पे शॉप में आपको दिखाऊंगा, शॉप का वीडियो भी बनाऊंगा। तो कैसे हमारी शॉप है, किस चीज़ की शॉप है दोस्तों, पूरी वीडियो के अंदर डिटेल आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर देना दोस्तों, ठीक है गाइस। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी। हाँ हाँ चोए पापो शमे पापो मोए शमे पापो मोए शमे पापो मोए शमे पापो पापो मोए। ओके गाइस ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम। बोले जय श्री राम के, ए यही तो खराब दूंगा बाबा। जय श्री राम के, जय श्री राम के, ठीक है। तो पापा मुनि गरीज। ओके गाइस, बाय बाय, टाटा।